हेलो एंड वेलकम, मैं श्री फॉर ऑल सेशन साल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और गंगा नदी का पार्ट फर्स्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये गंगा नदी का पार्ट सेकंड है जिसमें मैं आपके सामने बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में यानी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का विस्तार कहाँ कहाँ है, और साथ साथ गंगा नदी के साथ साथ इसमें मैं यमुना नदी भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। मैंने आपको प्रियस के गंगा पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि कितने उत्तराखंड में जो गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना है कितने प्रयाग बनते हैं। तो 5 प्रयाग बनते हैं। पहले प्रयाग देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, और आपने सुना होगा नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। सभी प्रयागों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपका फीडबैक बहुत अच्छा आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट आया था, और आप ऐसे कमेंट और ऐसे प्यार देते रहिए। मैं आपके सामने ये ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। जैसे कि मैं शुरू करने वाला हूँ आपके सामने बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गंगा नदी, जो कि अब ये इसका प्रवाह क्षेत्र किस राज्य में है, यूपी में, और सबसे ज़्यादा बहती कहाँ पे है, यूपी में। कितने किलोमीटर भैया, यूपी में लगभग 900 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर भैया, 900 किलोमीटर, और गंगा नदी का कुल विस्तार 25-25 किलोमीटर। कितना भैया, 25-25 किलोमीटर बहती है कुल, और यूपी में इकलौता यूपी में ही 900 किलोमीटर लगभग ये बहती है। तो शुरू करने वाला हूँ आपके सामने, आपके साथ बने रहिएगा मेरे साथ, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब यहाँ से मैं एक नदी लेता हूँ, और इस नदी का नाम है, आपने सुना होगा यहाँ से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी निकल रही भैया, यमुना नदी। मैं यमुना और गंगा दोनों नदी को समझाऊँगा आपको। देखिए ये कौन सी नदी है, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। ये कौन सी नदी बह के आ रही है भैया, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। नदी में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे। तो ये कौन सी नदी है, एक बार मैं लिख देता हूँ, यमुना नदी। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा यमुना नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, ये उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का ही जिला होगा ये। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से उद्गम होता है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, आपने नाम सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कहलाता है। तो अगर पूछेगा यमुना नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है, तो सहारनपुर से होता है। तो इस सहारनपुर से कौन सी नदी निकल रही है, यमुना नदी निकल रही है। अगर बात की जाएगी, मान लीजिए मैं सहारनपुर यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, ये पूरा जो बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर जितना क्षेत्र है, ये यहाँ से यहाँ तक कौन फैला हुआ है, सहारनपुर। तो पूछेगा यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सहारनपुर से होता है। तो सहारनपुर से इस नदी का यानी यमुना नदी का उद्गम हुआ। अब साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यमुना की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है भैया, सहारनपुर से होता है, तो उसका भी उद्गम कहाँ से होता है, सहारनपुर से। तो ये कौन सी नदी है, यमुना नदी का एक सहायक नदी, इसका नाम है हिंडन नदी। नाम सुने होगा यमुना नदी का एक और सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, सहारनपुर से। तो ये नदी कौन सी निकली, ये नदी हिंडन नदी निकली। कौन सी नदी भैया, हिंडन नदी। तो क्वेश्चन पूछा यमुना की सहायक नदी कौन सी होती है, हिंडन नदी। सहायक नदी किसे बोलते हैं, वे नदियाँ जो आपस में मिल जाएँ या एक नदी दूसरे में आके उसका अंत हो जाए। यानी हिंडन नदी का अंत किस में आके होगा, किस नदी में मिल गई आके, यमुना नदी से मिल गई। तो इसीलिए हिंडन नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है, यमुना की सहायक नदी। वे नदियाँ जो आपस में मिल जाएँ या इस एक नदी का दूसरे नदी में अंत हो जाए, वो एक दूसरे की कहलाती है सहायक नदी। तो यमुना और हिंडन दोनों एक दूसरे की क्या है, सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से उद्गम होता है, उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है, तो सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यमुना नदी से हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है, तो यमुना नदी से आपका हिंडन नदी, ये जो जिस जिले में मिलती है उस जिले का नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर। तो क्वेश्चन पूछेगा हिंडन नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश से किस जिले में मिलती है, तो इस जिले का नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर, जैसे कि मैंने गौतम बुद्ध नगर के बारे में बताया था, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर यहीं पे पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला क्या है, तो आपका
गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पे दो नदी आपस में मिलती है, यमुना नदी से हिंडन नदी, यानी यमुना नदी का सहायक नदी हिंडन नदी है जो कि सहारनपुर से निकलती है। अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने सुना होगा बिजनौर, किसका नाम सुना होगा भैया, बिजनौर। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा बिजनौर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो बिजनौर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है, आपने सुना होगा, ध्यान दीजिएगा, बिजनौर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हमारी राष्ट्रीय नदी, और उस राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। तो क्वेश्चन पूछेगा बिजनौर नदी से किस नदी का उद्गम होता है, तो गंगा नदी का उद्गम होता है, या जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है, तो बिजनौर से होता है। अगर बात की जाएगी कि बिजनौर का ये मान ली क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पूरा एरिया बिजनौर का है। बिजनौर से गंगा तो निकलती है, तो गंगा नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है, तो बिजनौर से होता है। अगर बात की गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो एक सहायक नदी आपने सुना होगा रामगंगा, तो ये कौन सी नदी है भैया, ये कौन सी नदी है, रामगंगा। कौन सी नदी है भैया, राम गंगा। तो क्वेश्चन में जगह राम गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बिजनौर से। अब देखिए गंगा निकल ही रहा है, यानी जाहिर सा बात है किसकी सहायक नदी होगी, तो गंगा की सहायक नदी होगी, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो राम गंगा। तो गंगा और राम गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इसका उद्गम होता है, यानी यहीं से निकलती है, देखिए निकल रही है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा ये कहाँ आके मिलती हैं, तो जिस क्षेत्र में आके मिलती है उसका नाम क्या है, हरदोई। कहाँ मिलती है भैया, हरदोई मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा और गंगा किस क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, यानी किस जिले से इसका उद्गम होता है, तो बिजनौर से उद्गम होता है। बात करिए कहाँ मिलते हैं गंगा से रामगंगा नदी, तो हरदोई में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ से मान लीजिए पीलीभीत है, पीलीभीत का नाम सुने होंगे, पीलीभीत पीलीभीत। अगर बात किया गया पीलीभीत उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा जिला में एक है, बात किया गया पीलीभीत से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है, तो पीलीभीत से एक नदी देखिए निकल रही है, उद्गम हो रहा है, उस नदी का नाम है, आपका नाम सुने होंगे गोमती नदी। तो क्वेश्चन में जाएगा गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होता है। पीलीभीत से कौन सी नदी निकली है, गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। बात की जाएगी कि पीलीभीत अगर पूछा गया गोमती नदी किस जिले से होता है, तो पीलीभीत से होता है। पीलीभीत की किस झील से, पीलीभीत के किस झील में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम है भैया, फुलहर झील। तो बात क्या आएगी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से गोमती नदी का उद्गम होता है, तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। और अगर पूछा गोमती नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो फुलहर झील से होता है। कहाँ से होता है भैया, फुलहर झील, यानी पीलीभीत में कौन सी झील पाई जाती है, तो फुलहर झील, या फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो पीलीभीत में स्थित है। अब बात की जाएगी ये देखिएगा ये बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर एरिया पीलीभीत का है, किसका है भैया, पीलीभीत का। अब पीलीभीत तो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कौन सी फैली हुई है, पीलीभीत फैला हुआ। पीलीभीत से एक और नदी निकलती है, बात की जाएगी देखिएगा ध्यान से, पीलीभीत से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है आपने सुना होगा शारदा नदी। क्या नाम है भैया, शारदा नदी। तो यहाँ से एक नदी और निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, शारदा नदी। तो क्वेश्चन पूछेगा शारदा नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है, तो शारदा नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होता है। तो पीलीभीत जिले से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो दो नदियाँ निकलती हैं, एक गोमती नदी निकलती है और एक कौन सी नदी निकलती है, शारदा नदी। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन अगर पूछा गया, अब शारदा नदी यहाँ से निकलती है, अगर मैं यहाँ पे पहले इसको कवर कर दे रहा हूँ नीचे जो बचा हुआ है, अब देखिएगा ध्यान से, यमुना की देखिए आपने अगर सुना होगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, अगर बात की जाएगी तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना होती है, यमुना नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये जो नदी निकल रही है, तो यमुना नदी। अब बात कहिए यमुना नदी किससे मिलती है, आके सहायक नदी, यानी समझ गए होंगे जो नदियाँ आपस में
मिल जाएं या एक नदी का विस्तार आके अंत हो जाए दूसरे नदी में, तो यमुना नदी का अंत होगा कहाँ पे जाके, गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है यानी उसका अंत कहाँ होता है, तो बात की गई कहाँ पर मिलती है, तो ये आपका प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज। जैसे इलाहाबाद पहले जाना रहता, पूर्व नाम क्या था? इलाहाबाद। क्वेश्चन हो जाएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताइए, तो यमुना नदी। गंगा नदी से यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। बात की जाएगी यहीं पर, मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ, यहाँ से एक नदी आती है, देखिए ये नदी आई है, ये देखिए नदी आई जिसका नाम है, आपने सुना होगा चंबल नदी। क्या नाम सुना होगा? ये कौन सी नदी है? मान लीजिए ये नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी आई भैया? चंबल नदी। क्वेश्चन में जगह चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए किससे मिल रही है, तो किससे मिल रही है भैया? यमुना नदी से मिल रही है। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश से किस जिले में मिलती है, तो आपने सुना होगा इटावा में मिलती है। कहाँ मिलता है भैया? इटावा में। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी मानी जाती है? तो ये कौन सी नदी आई थी? यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो इटावा मिलती है। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा में मिलती है। बात की इटावा में कौन सा चीज़ है, तो आपने सुना होगा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित है। क्वेश्चन जगह उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेर प्रजनन केंद्र स्थापित है? तो शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो भैया इटावा में है। साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछाएगा कि लायन सफारी पार्क, क्या नाम है भैया? लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लायन सफारी, लायन सफारी। अब शेर मतलब लायन होता है, प्रजनन का मतलब शेरों की संख्या में वृद्धि। जैसा कि आप जानते होंगे शेरों की संख्या में क्या होता आ रहा है, गिरावट आ रहा है, इसीलिए माननीय अखिलेश जी ने शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए इटावा में शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया और लायन सफारी पार्क स्थापित किया। तो लायन सफारी पार्क साथ साथ के शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है उत्तर प्रदेश के जिले में? तो इटावा में। तो इटावा में यमुना की कौन सी सहायक नदी मिलती है? तो चंबल नदी। चंबल नदी की चंबल नदी किसी सहायक नदी है? यमुना नदी की, जो कि इटावा मिलती है। अब दूसरी नदी यमुना की ही सहायक नदी है, यमुना नदी से यानी मिल जाती है। दूसरी नदी का नाम है, आपने सुना होगा, दूसरा नदी का नाम आपने सुना होगा जो कि आपका बेतवा नदी। ये कौन सी नदी है भैया? बेतवा नदी। कौन सी नदी है भैया? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी भी किसी सहायक नदी मानी जाती है? तो यमुना की सहायक नदी। तो यमुना, देखिए यमुना नदी तो निकली थी सहारनपुर से, तो यमुना से तो मिल गई, तो बेतवा नदी भी किसी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। अगर बात की कहाँ मिलती है बेतवा नदी यमुना नदी से, तो यमुना नदी से बेतवा नदी आपका हमीरपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? हमीरपुर। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। बात करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की अगर की जाए तो क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि आपने सुना होगा केन नदी, केन नदी भी किसकी सहायक नदी है? अब देख रहे हो किससे मिल रही है, किस नदी से मिल रही है, ये कौन सी नदी है? यमुना से ही मिल रही है। तो केन नदी भी किसकी सहायक नदी है भैया? तो केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है, जो कि कहाँ मिलती है अगर बात की जाएगी, जो कि बांदा में मिलती है। उत्तर प्रदेश किस जिले में मिलती है? बांदा में। तो केन भी किसकी सहायक नदी है? तो केन भी यमुना की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिलती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी बहुत ही बड़ी नदी है और गंगा नदी और प्रयागराज से भी आगे बढ़ती हुई चली जाती है, जिसमें प्रयागराज में आके यमुना की, यमुना जो सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की, आके यहाँ पे इसका अंत हो जाता है और गंगा नदी का विस्तार आगे बढ़ता जाता है। अगर बात की जाएगी कि इसका प्रवाह आगे की ओर जाता है, जिससे एक और, आप जाके देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक नदी आके मिल जाती है जिसका नाम आपने सुना होगा टोंस नदी। क्या नाम सुना होगा भैया? टोंस। क्या नाम है? टोंस। तो टोंस नदी किसकी सहायक नदी अगर बात कहेगी, देखिए टोंस लिखा है, टोंस, टोंस नदी का अगर बात कहेगी क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है? तो तमसा। तो टोंस नदी का दूसरा नाम क्या भैया? तमसा। तो क्वेश्चन पूछेगा टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, देखिए काली वाली कौन सी नदी है? तो काली वाली कौन सी नदी? गंगा नदी। तो देखिए टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। अब ये पूछाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये कौन से जिले में ये मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा हमेशा किस जिले से मिलती है टोंस नदी, गंगा नदी से?
तो सिरसा नामक क्षेत्र में मिलती है, ये प्रयागराज से ही कुछ दूरी पर है। क्या नाम है इसका? सिरसा। तो टोंस नदी का दूसरा नाम क्या है? तमसा नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के जिले के किस क्षेत्र में मिलती है? तो सिरसा में मिलती है। इतनी कोई समस्या नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था? पीलीभीत से। पीलीभीत किस झील से? तो फुलहार झील से। किस नदी का उद्गम हो रहा था? गोमती नदी की। अब ध्यान दीजिएगा, ये गोमती नदी है और ये गंगा नदी है। अब मैं गंगा नदी थोड़ा आगे बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब गंगा नदी से कौन सी नदी मिलने आ रही है? तो गा से गोमती नदी। गा से गोमती नदी की सहायक नदी क्या है? गा से गंगा नदी। अब गोमती नदी जो है किससे मिलने आ रही है? गंगा नदी से मिलने आ रही है। देखिए किससे मिल रही है, कौन सी नदी से मिल रही है? गंगा नदी से ये मिली 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 किससे मिली? अब जो नदियाँ एक दूसरे से मिल जाए वो एक दूसरे सहायक नदी कहलाती है। यानी गोमती नदी का अंत किस में होने आ रहा है? गंगा नदी मिल जा रहा है फाइनली। अब पूछा गया उत्तर प्रदेश में किस जिले में मिलती है? तो बात यही, देखिए गा से गोमती नदी, गा से किसकी सहायक नदी है? गा से गंगा की सहायक नदी है। अब पूछा गया गा से किस जिले में मिलती है? तो गा से गाजीपुर। कहाँ मिलती है भैया? गा से गाजीपुर। कहाँ मिलती है? तो गा से गोमती नदी, गा से गंगा की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलती है जिले में? तो गाजीपुर। और जो कहाँ के साइड में पड़ता है? ये बनारस के, अधिकतर इधर ही आसपास के रेंज में पाया जाता है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। तो क्वेश्चन की दूसरी नदी कौन सी है जिसका उद्गम पीलीभीत से होता है? तो शारदा नदी। शारदा नदी का दूसरा नाम अगर बात की जाएगी तो शारदा नदी का दूसरा नाम अगर बात की जाए क्या है? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से नाता है। किस नदी के नाम से नाता है? काली नदी के नाम से नाता है। अब बात किया कि शारदा नदी को मैं यहीं रहने देता हूँ। अब इसके बाद एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा इसका विस्तार थोड़ा सा फैला दूँ। देखिए ध्यान से, ये कौन सी नदी है? शारदा नदी। शारदा नदी का दूसरा नाम क्या है? काली नदी। शारदा नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश किस जिले में होता है? किस जिले से होता है? तो इसका उद्गम पीलीभीत से होता है। अब बात किया ये नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर बात की जाएगी आपका घाघरा नदी, आपने नाम सुना ही होगा, कौन सी नदी भैया? घाघरा नदी। घाघरा नदी बहुत बड़ी नदी है। अब बात करने वाला हूँ घाघरा नदी। अब घाघरा नदी से आकर कौन सी नदी मिल जा रही है? देखिए कौन सी नदी ये निकली है, कौन सी? शारदा नदी। तो घाघरा किस, ये कौन सी नदी थी? ये कौन सी नदी थी? ये घाघरा नदी थी। कौन सी नदी थी भैया? घाघरा नदी। क्वेश्चन पूछेगा घाघरा नदी, क्वेश्चन पूछेगा घाघरा नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? तो शारदा नदी। शारदा नदी अगर किस नदी से मिल जा रही है? तो ये घाघरा से मिल जा रही है। अब क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश किस जिले में मिलती है? तो अगर बात की उत्तर प्रदेश के, ये देखिए किस जिले में मिलती है अगर बात की, तो ये आपका कहाँ मिलती है? तो बहराइच मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? बहराइच मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि घाघरा की सहायक नदी का नाम क्या है? तो घाघरा की सहायक नदी का नाम क्या है? आपका शारदा नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो बहराइच में मिलती है। बहराइच में कहाँ पे? तो बहराइच में एक घाट है जिसका नाम है, बहराइच से निकल रहा है, बहराम घाट। कहाँ मिलती है भैया? बहराम घाट में मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात की नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? अच्छा, घाघरा कहाँ से निकलती है? घाघरा का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होता है? तो आपका ये घाघरा नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के बहराइच से होता है। कहाँ से होता है भैया? बहराइच। तो ये एरिया कौन सा है? बहराइच। तो घाघरा नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से होता है। अब बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्यारी सी नदी और आती है, प्यारी सी नदी कौन सी? अब ध्यान दीजिएगा, यही प्यारी सी नदी है। यहीं से एक नदी, यही एक क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है। आपका नाम सुने होंगे राप्ती नदी। कौन सी नदी सुने होंगे भैया? ये देखिए किसे मिल जा रही है? तो घाघरा से आके मिल जा रही है। तो बताइए राप्ती, ये कौन सी नदी है भैया? राप्ती। तो क्वेश्चन जगह राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो राप्ती नदी है आपका, राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो बात कीजिए उत्तर प्रदेश की, ये आपका देवरिया मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? देवरिया मिलती है। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है। या उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो देवरिया में मिलती है। अब अगर बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब यहीं से एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर बात की जाएगी राप्ती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इस जिले का नाम क्या है अगर बात की जाएगी? तो इस जिले का नाम है श्रावस्ती। तो अगर बात की जाएगी कि राप्ती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो श्रावस्ती से होता है। किस जिले से होता है भैया? श्रावस्ती से होता है। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा। अब
ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और बात की जाएगी। अब यहाँ से रा से राप्ती नदी क्या दिख रहा है आपको, रा से राप्ती नदी, तो रा से राप्ती नदी एक की एक सहायक नदी और है, तो इसका नाम है, देखिए नदी आके मिल रही है, तो रा से राप्ती नदी, ये कौन सी नदी है, रोहिणी नदी। ये कौन सी नदी निकली है, ये कौन सी नदी निकली है, रोहिणी नदी। तो क्वेश्चन पूछेगा रा से राप्ती की सहायक नदी कौन सी है, तो रा से रोहिणी नदी। तो राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से इसका आगमन होता है, तो रोहिणी का आगमन जो होता है सिद्धार्थ नगर, कहाँ से होता है भैया, सिद्धार्थ नगर से होता है। कहाँ से होता है, तो रोहिणी नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है, तो सिद्धार्थ नगर। तो पूछूंगा रा से राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो रा से रोहिणी नदी है, जो कि क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात किया किस जिले में मिलते हैं, तो ये आपका गोरखपुर, जहाँ से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलते हैं, तो गोरखपुर में मिलते हैं। तो रा से राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है, रा से रोहिणी नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मिलते हैं। कौन सा जिला है भैया, तो ये जिला है गोरखपुर में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से एक नदी और है, यहाँ पे मैं सारा का सारा उत्तर प्रदेश के बारे में आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो गंगा नदी का प्रवाह है। बात की एक नदी की और, आपने सुना होगा गंडक नदी, क्या नाम सुना होगा भैया, गंडक नदी। तो क्वेश्चन पूछा गंडक, ये कौन सी नदी निकल रही है, गंडक नदी। बात की कौन सी नदी है, ये गंडक नदी। क्वेश्चन पूछा गंडक नदी का उद्गम उद्गम उत्तर प्रदेश किस जिले से होता है, तो ये कौन सी नदी है पहले बता दूँ, तो ये गंडक नदी है। तो गंडक नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से होता है। तो ये कौन सा जिला है, देखिए महाराजगंज। तो बताइएगा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि गंडक नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो महाराजगंज से होता है, महाराजगंज। तो गंडक नदी किस जिले से निकलती है, तो महाराजगंज से निकलती है। बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्या क्वेश्चन पूछाएगा गंडक नदी का, ये अगर उद्गम अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा, अगर बात की जाएगी गंडक नदी उत्तर प्रदेश के वह अंतिम जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला वह कौन सा है जहाँ से इसका ये निकास कर जाती है, मान लीजिए कौन सा निकास द्वार, इसका निकास कौन सा है, उत्तर प्रदेश का निकास द्वार वह कौन सा जिला है जिसे गंडक नदी देखिए उत्तर प्रदेश को से बाहर चली जाती है, मतलब आगे निकल जाती है, तो वो कौन सा जिला है, तो आपने सुना होगा कुशीनगर। तो इस जिले का नाम क्या है, तो निकास कहाँ से करती है, तो कुशीनगर से करती है, कहाँ से करती है भैया, कुशीनगर से करती है। तो बात की जाएगी कि गंडक नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश किस जिले से होता है, तो महाराजगंज से होता है। गंडक नदी निकास कहाँ से कर जाती है, तो कुशीनगर से कर जाती है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और जिससे और आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, सारा मैंने बताया था। गंगा नदी को जीवित नदी के नाम से जानता है, गंगा नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा बोला गया है, क्योंकि ये किस मिट्टी का निर्माण करती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और बता दूँ, चंबल नदी से एक नदी और मिल जाती है, कौन एक नदी और मिल जाती है इस नदी की, देखिए चंबल नदी से एक नदी और मिली जिसका नाम है शिप्रा, कौन सी नदी मिल जाती है, शिप्रा, ऐसे मैं लिख देता हूँ शिप्रा। तो बताइए शिप्रा नदी से कौन सी नदी, किसी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है, शिप्रा। और बेतवा की एक सहायक नदी होती है, देखिए एक नदी आके आई और किसे मिल गई, बेतवा नदी से मिल गई, जिसका नाम है धमास, क्या नाम है भैया, धमास। तो धमास किसी सहायक नदी है, धमास। तो धमास किसी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, और शिप्रा किसी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। रात के समय में वीडियो अपलोड किसी तरह टाइम निकलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो अपलोड करने की। तो ये पूरा टॉपिक आपका गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में जितना प्रवाह क्षेत्र था, मैंने सारा का सारा आपका कवर कर दिया है। अब ज़्यादा इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं बनेंगे, जो बनेगा आपका यहीं से है। और लास्ट में बता देता हूँ सहारनपुर किसके लिए फेमस है, तो सहारनपुर कागज़ के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है भैया, कागज़ के लिए फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, तो सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कहलाता है, तो सहारनपुर आपका उत्तरी जिला कहलाता है, कौन सा जिला भैया, तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, कौन सा है भैया, सहारनपुर। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा, और
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का भी नाम कौन सी थी? तो यमुना नदी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।